हेलो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास एट चैप्टर नंबर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास एट का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसको पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टैंजा एंड वी हैव ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंजा। हमने हमारे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर इस स्टैंजा को कंप्लीट किया था, अप टू हियर यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, और इससे संबंधित जो इसके जो क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर। और आज हम इस पार्ट से संबंधित जो इसका नेक्स्ट स्टैंजा है, जो अगला स्टैंजा है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर रीड दिस स्टैंजा वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस स्टैंजा। और इस स्टैंजा को पढ़ने से पहले इस स्टैंजा से संबंधित जो इसके वर्ड मीनिंग्स है, यानी जो इसके शब्दार्थ है, उनको देखेंगे। जिसे फर्स्ट है डम्ब्ड, यानी फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो वर्ड है वो है डम्ब्ड। डम्ब्ड मीन्स होता है फेंक दिया, यानी डम्ब्ड का मतलब वो फेंक दिया या ढेर लगाया। और यहां पर इसका जो मीनिंग है वो है थ्रोन डाउन। थ्रोन डाउन का मतलब नीचे फेंका गया, यानी उसको फेंक देना। तो डम्प्ड का मतलब होता है ढेर लगाना या फेंक देना। और यहां पे इसका जो मीनिंग है वो है थ्रोन डाउन, यानी नीचे फेंक देना। डम्प्ड यानी फेंक देना या नीचे फेंक देना। और सेकंड है वो है पाइल्स। पाइल्स का मतलब होता है ढेर, और यहां इसका मीनिंग दिया हिप्स। तो हिप्स का मतलब भी ढेर होता है। और नेक्स्ट है गोल पोस्ट, यानी गोल पोस्ट, जो गोल करते हैं अपन फुटबॉल, आपने देखा होगा फुटबॉल के अंदर जो गोल पोस्ट बने होती है दोनों साइड, वो गोल पोस्ट होती है। यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो गोल पोल्स, यानी गोल करने के जो पोल होते हैं, यानी जिसको गोल पोल का मतलब होता है लक से डंडे जिसको बोलते हैं, यानी जो फुटबॉल के अंदर गोल करते हैं तो उसके दो पोल लगे होते हैं इस साइड और नेट लगी होती है इसे, वो होता है गोल पोल्स। एंड नेक्स्ट है चीयर्ड। चीयर्ड का मतलब यहाँ पे है, चीयर्ड का मतलब खुशी प्रकट की, यानी चीयर्ड का मतलब खुशी प्रकट करना, जय जयकार करना। और यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है एनकरेज्ड। एनकरेज्ड का मतलब उत्साहित करना, एनकरेज मीन्स उत्साहित करना। और आगे देखेंगे अगला है स्टाम्प। स्टाम्प का मतलब, स्टाम्प का मतलब वैसे स्टाम्प होता है, लेकिन स्टाम्प का मतलब और होता है। यहाँ पे है वो पेड़ की थाप, यानी जब पेड़ मारते हैं तो उसकी आवाज आती है, वो होता है स्टाम्प। यानी स्ट्राइक फिट ऑन द ग्राउंड। स्ट्राइक मीन्स मारना, फिट मीन्स पैरों को, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, यानी जमीन के ऊपर पैर मारते हैं, यानी जमीन के ऊपर पैर मारना, उसको बोलते हैं पैर की थाप। और नेक्स्ट कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे कीप आउट का मतलब, कीप आउट का नॉर्मली मतलब होता है कीप आउट यानी प्रतिबंध लगाना। और यहाँ पे है इसका मीनिंग अवॉइड। अवॉइड मीन्स टालना, दरकिनार करना। और नेक्स्ट है क्लैपिंग। क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना। और यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो दिया हुआ है स्ट्राइकिंग पाम्स टुगेदर। स्ट्राइकिंग मीन्स मिलाना, पाम्स मीन्स हथेलियों को, टुगेदर मीन्स साथ साथ, यानी हथेलियों को एक साथ मिलाते हुए। तो जब हथेलियों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बजती है, ताली बजती है। तो क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना। नेक्स्ट है मिनग्लिंग। मिनग्लिंग का मतलब होता है घुलना मिलना, ठीक है। तो मिनग्लिंग का मतलब घुलना मिलना है। और यहाँ इसका जो मीनिंग है वो देखेंगे क्या दिया हुआ है, मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब होता है मिश्रण करना, यानी मिलाना। और नेक्स्ट है आफ्टर अवाइल। आफ्टर अवाइल का मतलब होता है कुछ समय बाद, ठीक है। तो आफ्टर अवाइल का मतलब कुछ समय बाद होता है। यहाँ पे जो मीनिंग है वो देखेंगे सम टाइम लेटर्स। समटाइम मीन्स कुछ समय के, लेटर मीन्स बाद में, यानी आफ्टर ए वाइल का मतलब कुछ समय बाद, यानी समटाइम्स लेटर, यानी कुछ समय के बाद में। नेक्स्ट है रिसॉल्व। रिसॉल्व का मतलब होता है समाधान करना।
तो रिसॉल्व का मतलब समाधान करना, यहां पे इसका जो मीनिंग है वो डिसाइड, डिसाइड या निश्चय करना। और नेक्स्ट है ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ऑर्फन का मीनिंग अनाथ होता है। और यहां पे दिया विदाउट पेरेंट्स, विदाउट मीन्स बगैर, पेरेंट्स मीन्स माता पिता की, यानी बगैर माता पिता के, यानी जिसके माता पिता नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन यानी अनाथ। एंड नेक्स्ट है जेनरसली, जेनरसली का मतलब होता है उदारता, तो जेनरसली यानी उदारता पूर्वक। और यहां पे इसका मीनिंग दिया विद ओपन हार्ट और लिबरली, तो यहां पे इसका जो मीनिंग दिया है जेनरसली का मीनिंग दिया हुआ, जेनरसली मीन्स उदारता पूर्वक, यहां पे विद मीन्स से, ओपन हार्ट यानी खुले हृदय से, यानी खुले दिल से, यानी लिबरली, लिबरली मीन्स उदारता पूर्वक। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड क्या हो गए, इसके वर्ड मीनिंग्स हो गए, यानी इसके शब्दार्थ हो गए। अब इन वर्ड मीनिंग को, मीनिंग्स को एज ए होमवर्क आपको जो आपकी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। नाउ वी विल रीड दिस स्टेंजा, अब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो ये तो अभी हमने इसके वर्ड मीनिंग देख लिए, अब इस स्टेंजा को शुरू करेंगे। कि देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, कि देन मीन्स फिर, समवन मीन्स कोई व्यक्ति, आई मीन्स मैं, डोंट नो यानी नहीं जानता हूं, हु मीन्स जो कि, ब्रॉट आउट मीन्स लाया, यानी ब्रॉट आउट मीन्स बाहर लाया, ए मीन्स एक, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल, कि फिर एक व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूं वो एक फुटबॉल को बाहर लाया। तो ये जो जिम मैकफर्सन है वो बता रहा है कि उसके बाद में क्या हुआ, कि उसके बाद में एक व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूं वो एक फुटबॉल को बाहर लाया। ग्रेट कॉट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन्स लैंड। तो ग्रेट कॉट्स यानी जो बड़े कॉट्स थे उनके, यानी जो फ्रिज और के जो कॉट थे, यानी जो जर्मन सैनिकों के जो कोट थे, बड़े कोट यानी ग्रेट कोट मीन्स कॉट्स मीन्स बड़े कोट, वर मीन्स थे, डम्प्ड यानी फेंके गए थे, इन पाइल्स यानी ढेर के रूप में, यानी जो बड़े कोट वो पहन रखे थे उन्होंने उसको ढेर के रूप में फेंका गया। टू मेक यानी बनाने के लिए, गोल पोस्ट यानी गोल पोस्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके जो बड़े कोट थे उनका ढेर लगा दिया। एंड और द नेक्स्ट थिंग यानी अगली चीज, वी न्यू, वी मीन्स हम, न्यू मीन्स जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, कि क्या जानते थे, अगली चीज जो हम जानते थे वो क्या थी, कि इट वॉज मीन्स थी टॉमी यानी ब्रिटिश सैनिक, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, फ्रिज यानी जर्मन सैनिकों के, यानी हम ये जानते थे कि जो ब्रिटिश सैनिक है वो जर्मन सैनिकों के विरुद्ध थे। आउट इन द मिडल यानी बीच में, ऑफ नो मैंस लैंड यानी जो नो मैंस लैंड का जो एरिया था उसमें कौन थे, जो ब्रिटिश थे वो फ्रिट्स यानी जर्मन के, जर्मन जो सैनिक थे उनके विरुद्ध थे। आगे है हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। कि हैंस वॉल्फ यानी हैंस वॉल्फ एंड मीन्स और आई मीन्स मैंने लुकड ऑन यानी ऊपर देखा, कि मैंने यानी हैंस वॉल्फ और मैंने ऊपर देखा, एंड मीन्स और चीयर्ड यानी खुशी प्रकट की, क्लैपिंग मीन्स तालियां बजाई, अवर हैंड्स यानी हमारे हाथों से, एंड और स्टैम्पिंग अवर फिट और जो हमारे पैर थे उनको जमीन पर मारा यानी जमीन पर अपने पैरों को मारा। टू कीप आउट, टू कीप आउट, कीप आउट का मीनिंग क्या होता है, कीप आउट यानी प्रतिबंध लगाना, ठीक है। और यहां पे हमने इसमें पढ़ा था कीप आउट का मतलब अवॉइड होता है यानी टालना होता है। टू कीप आउट यानी टालने के लिए द कोल्ड यानी ठंड को, एज मच एज जितना हो सके, एनीथिंग यानी किसी चीज से। तो क्या करता है वो, कि हैंस वॉल्फ और मैंने ऊपर देखा और क्या की, खुशी प्रकट की, अपने हाथों से तालियां बजाई और अपने पैरों को जमीन पर मारा, और
जो ठंड थी उसको दरकिनार करने के लिए जो भी चीज यूज की जा सकती थी वो कर रहे थे, यानी टू कीप आउट यानी दूर रखने के लिए द कोल्ड यानी ठंड को, एज मच एज यानी जितना हो सके, एनीथिंग यानी किसी चीज से, यानी किसी चीज से ठंड को जितना दूर रख सके उसके लिए उन्होंने क्या किया, ठंड को टालने का प्रयास किया यानी नेग्लेक्ट करने का प्रयास किया उन्होंने। देयर वॉज ए मूवमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रिथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। देयर वॉज ए मूवमेंट यानी एक क्षण था, व्हेन मीन्स जब, आई मीन्स मैंने नोटिस यानी ध्यान दिया कि अवर ब्रिथ्स जो हमारी सांसें थी वो मिंगलिंग, मिंगलिंग में मिल रही थी यानी एक दूसरे को मिल रही थी, इन द एयर मीन्स हवा में, बिटवीन अस हमारे बीच में। तो एक क्षण ऐसा था जब उसने ये महसूस किया, उसने ये नोटिस किया कि जो उनकी जो सांसें थी वो एक दूसरे की साथ में क्या कर रही थी, मिल रही थी, मिंगलिंग कर रही थी यानी घुल मिल रही थी, दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर ए वाइल। ही मीन्स उसने सा मीन्स देखा, इट मीन्स इसको, टू मीन्स भी, और उसने भी उसको देखा यानी जो हैंसवॉल था उसने भी उसको देखा। एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया जिम मैकफर्सन, और उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, ही सैड उसने कहा, आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए वाइल का मतलब कुछ समय के बाद में, और उसने कुछ समय के बाद में कहा जिम मैकफर्सन, और क्या कहा आगे कि आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, कि आई मीन्स मैं, थिंक मीन्स सोचता हूं कि दिस इज यानी यह है, हाउ मीन्स इस प्रकार से, वी मीन्स हम, हमें शुड रिसॉल्व यानी समाधान करना चाहिए दिस वॉर यानी इस युद्ध का। तो आगे क्या कहता है कि मैं सोचता हूं कि हमें इसी प्रकार से जो युद्ध है उसका समाधान करना चाहिए। ए फुटबॉल मैच यानी एक फुटबॉल मैच से, किससे समाधान करना चाहिए युद्ध का, एक फुटबॉल मैच से। ये किसने कहा, हैंस वॉल्फ ने कहा कि एक फुटबॉल मैच से हमें जो युद्ध है उसका समाधान करना चाहिए। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, डाइज मीन्स मरता है, इन ए फुटबॉल मैच यानी एक फुटबॉल मैच में, कि एक फुटबॉल मैच के अंदर कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, के नो चिल्ड्रन यानी कोई भी बच्चा, आर ऑर्फन यानी अनाथ नहीं होता है, कि फुटबॉल मैच के अंदर कोई भी नहीं मरता है और कोई भी बच्चा अनाथ भी नहीं होता है। नो वाइव बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है, कि फुटबॉल मैच के अंदर न तो कोई मरता है, न कोई बच्चा अनाथ होता है, और न कोई औरत या पत्नी विधवा होती है। आई हैड प्रिफेर क्रिकेट, कि मुझे यानी मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं, आई हैड प्रिफेर क्रिकेट, प्रिफेर यानी पसंद करना, कि आई हैड प्रिफेर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं। आई टोल्ड हिम, आई मीन्स मैंने, टोल्ड मीन्स बताया, हिम मीन्स उसे, कि मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, देन मीन्स फिर, वी मीन्स हम, टॉमीज यानी ब्रिटिश सैनिक, कुड बी श्योर यानी निश्चिंत हो सकते थे, ऑफ विनिंग यानी जीत के लिए, प्रोबेबली यानी संभवत है, यानी इसके बाद में या फिर संभवत है हम जो ब्रिटिश सैनिक थे वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो सकते थे, श्योर हो सकते थे। वी लव्ड एट दैट, ये यहां पे आप कुछ जो लेटर्स है वो कंप्लीट नहीं है, ये यहां पे जैसे जी है ये, तो इनको सही कर लें। तो वी लाफ्ड एट दैट, वी मीन्स हम, लाफ्ड मीन्स हंसे, एट दैट यानी उस पर, और हम उस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, एंड मीन्स और, टुगेदर मीन्स साथ साथ, वी मीन्स हमने, वॉच मीन्स देखा, द गेम मीन्स खेल को, और हमने साथ साथ उस फुटबॉल का जो गेम था, फुटबॉल का जो मैच था उसको साथ साथ देखा। सैड टू से, सैड टू से, सैड मीन्स दुखी हूं, टू से यानी कहते हुए, यानी कहते हुए दुखी हूं, कौनी कि दुख कहते हुए दुखी हूं, कौनी के फ्रिज वन, के फ्रिज यानी जो जर्मन सैनिक थे वो जीत गए। टू गोल टू वन यानी 2-1 से, तो ये कहते हुए दुखी हूं, कौनी कि जो फ्रिज सैनिक है यानी जो जर्मन सैनिक है वो जीत गए। कितने से अंतर से जीते, कितने मार्जिन से जीते थे, 2-1 यानी 2-1 से वो जीत गए। बट
एज हैंस वॉल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन दियर्स, इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। तो आगे क्या कहता है कि बट मीन्स लेकिन, एज मीन्स जैसा कि, हैंस वॉल्फ यानी हैंस वॉल्फ ने जेनरसली यानी उसने कहा, किसने, उदारता, जेनरसली मीन्स उदारता पूर्वक कहा, किसने कहा, हैंस वॉल्फ ने। तो हैंस वॉल्फ ने उदारता पूर्वक कहा कि अवर गोल यानी हमारा जो गोल था वॉज वाइडर यानी व्यापक था, देन दियर्स यानी उनके, कि हैंस वॉल्फ था उसने उदारता पूर्वक कहा कि जो हमारा गोल था वो उनके गोल से व्यापक था, वाइड था। सो इट वॉजेंट क्वाइट फार, सो मीन्स इसलिए, इट मीन्स यह है, वॉजेंट मीन्स नहीं था, क्वाइट मीन्स बिल्कुल भी, फेयर मीन्स उचित, कि सो इट वॉजेंट क्वाइट फार, इसलिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो ये जो स्टेंजा वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्टेंजा से रिलेटेड इसके जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि हु प्लेड ए फुटबॉल मैच इन नो मैंस लैंड, कि हु मीन्स किसने, प्लेड मीन्स खेला, ए फुटबॉल मैच यानी फुटबॉल मैच इन मीन्स में नो मैंस लैंड यानी नो मैंस लैंड के एरिया के अंदर फुटबॉल का मैच किसने खेला था, तो ब्रिटिश और फ्रिस ने खेला था, यानी जो टॉमी और जो फ्रिस थे यानी ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिकों ने नो मैन लैंड में फुटबॉल मैच खेला था। तो लिख सकते हैं जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स प्लेड ए फुटबॉल मैच इन नो मैन लैंड, कि जो जर्मन और ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने नो मैन लैंड के अंदर एक फुटबॉल मैच खेला था। नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड है इसका बी, हु वॉन द फुटबॉल मैच एंड By what margin? के who means किसने? Won means जीता, the football match यानी football match, and और by what means क्या? Margin means होता है अंतर से, के football match किसने जीता और क्या अंतर से जीता। तो football match किसने जीता था? Fritz ने यानी जर्मन सैनिकों ने जीता था, और कितने अंतर से जीता था? तो वो अंतर था 2-1 यानी 2-1 से जीता था। तो लिख सकते हैं The German soldiers won the football match by 2-1 यानी जर्मन सैनिकों ने फुटबॉल मैच 2-1 से जीता था। नेक्स्ट है आगे देखेंगे, सेकंड का ये है, Who said that the football match could be the best way to resolve the war? Who means किसने, said means कहा, that की the football match यानी फुटबॉल मैच could be यानी हो सकता था, द बेस्ट वे यानी सबसे अच्छा तरीका, टू रिसॉल्व यानी समाधान करने का, द वॉर मीन्स युद्ध का, यानी किसने कहा था कि जो फुटबॉल मैच है वो युद्ध का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये किसने कहा था? तो ये हैंस वॉल्फ ने कहा था, यानी जो जर्मन ऑफिसर था ना हैंस वॉल्फ, उसने कहा था कि जो फुटबॉल मैच है वो युद्ध का समाधान हो सकता है। तो आंसर में देखेंगे, जर्मन ऑफिसर हैंस वॉल्फ सेड दैट द फुटबॉल मैच कुड बी द बेस्ट वे टू रिसॉल्व द वॉर, यानी जर्मन अधिकारी हैंस वॉल्फ ने कहा कि जो फुटबॉल है वो फुटबॉल मैच है वो युद्ध का समाधान करने का सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट वे है। आगे देखेंगे डी, Find the word from the passage which means thrown down. कि find means पता लगाएं, the word means शब्द का, from the passage यानी गद्यांश में से, which means जिसका मतलब होता है thrown down, यानी जिसका thrown down यानी फेंक दिया। तो passage में से उस शब्द का meaning बताना है जिसका मतलब thrown down होता है। तो thrown down आप देख सकते हैं ये रहा dumped, तो answer लिखेंगे dumped, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर में डम्प्ड, DUMPED डम्प्ड यानी फेंक दिया, थ्रोन डाउन यानी नीचे फेंकना और डम्प्ड यानी फेंक देना। तो ये आंसर हो गया इसका कंप्लीट। तो आज हमने, आज आपको एज ए होमवर्क क्या करना है, एक तो ये जो इसके वर्ड मीनिंग है, जो स्टेंजा आज हमने कंप्लीट किया उस स्टेंजा से रिलेटेड, एक तो ये वर्ड मीनिंग्स है जो कि आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है एकदम करेक्ट ऑर्डर के अंदर। इसके बाद में जो क्वेश्चंस है उसको, क्वेश्चन से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर
सॉल्व करना है, इनको नोट डाउन करके फिर इनका आंसर लिखना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।